अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आफ्ताब टीवी। दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है और तमाम टीमें भरपूर तैयारी के साथ ऑस्ट्रेलिया का रुख कर चुकी हैं और T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में इंडिया सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, दी अरेस्ट कोहली। आज की वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे कि इंडिया में कोहली को गिरफ्तार करने की धमकियां क्यों दी जा रही है, क्यों गिरफ्तार करने का कहा गया। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आज हम आपको मुकम्मल डिटेल से आगाह करने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली और मौजूदा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और इनके दो फैन, ये सारा जो किस्सा होता है इन दो चार खिलाड़ी दो खिलाड़ियों और दो लड़कों के दरमियान घूम रहा है, सारी स्टोरी इन दोनों के दरमियान घूम रही है। दोस्तों, हुआ यूं है कि भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली के एक फैन हैं और एक फैन हैं भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा के। दोनों के दरमियान बहस हो रही होती है दोस्तों पहले के मौजूदा भारत का बेहतरीन क्रिकेटर कौन है। तो एक तरफ होते हैं विराट कोहली के फैन, वो उनका नाम है एस धर्मराज, वो कहते हैं कि भारत का मौजूदा बेहतरीन क्रिकेटर है वो विराट कोहली। दूसरी तरफ होते हैं रोहित शर्मा के फैन और वो कहते हैं, उनका नाम है विघ्नेश, वो कहते हैं मौजूदा भारत का बेहतरीन क्रिकेटर है रोहित शर्मा। तो दोनों के दरमियान बहस जारी रहती है, दोनों एक दूसरे से बहस में लगे रहते हैं कि मौजूदा दौर का भारत का बेहतरीन क्रिकेटर कौन है। तो इसी में दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के नतीजे में एक जो होता है एस धर्मराज होता है विराट कोहली का फैन, वो अपने दूसरे दोस्त को कत्ल कर देता है। वो कत्ल क्यों करता है कि वो मान नहीं रहा था कि भारत का मौजूदा बेहतरीन क्रिकेटर कौन है। एक तरफ ये दोनों सपोर्ट करते हैं IPL टीमों में, मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते हैं रोहित शर्मा, जबकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ खेलते हैं विराट कोहली। ये दोनों मुख्तलिफ दोनों टीमों की तरफ से अपने अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं। तो दोनों के दरमियान यही जंग थी कि भारत का मौजूदा बेहतरीन क्रिकेटर कौन है, और इसी नतीजे में दोनों के दरमियान जंग होती है और जंग खत्म होती है एक दोस्त के कत्ल होने पर। तो दोस्तों, पुलिस आती है तफ्तीश के लिए, तो दोनों के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो उसमें दोनों दोस्त हैं और दोनों का ताल्लुक तमिलनाडु से है। एस धर्मराज की उम्र है 21 साल, जबकि विघ्नेश की उम्र है 24 साल। तो दोनों के दरमियान यही जंग थी कि मौजूदा भारत का मौजूदा बेहतरीन क्रिकेटर कौन है। तो ऐसे में ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि अरेस्ट किया जाए विराट कोहली को, क्योंकि विराट कोहली के ही फैन है एस धर्मराज और उन्होंने ही अपने दोस्त को कत्ल किया एक छोटी सी बात पर। तो दोस्तों, ये था क्रिकेट का बुखार। T20 वर्ल्ड कप से पहले बुखार इंडिया में कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को जस्ट इतनी सी बात पर कत्ल कर दिया कि दोनों में से दोनों एक दूसरे के फैन है, भारत के क्रिकेटर के फैन है, एक रोहित शर्मा का फैन है और दूसरा है विराट कोहली का, सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया कि मौजूदा भारत का बेहतरीन क्रिकेटर कौन है। तो एक ने कहा रोहित शर्मा, एक ने कहा विराट कोहली, और जीता कौन? एस धर्मराज, विराट कोहली का फैन जीत गया। तो इसलिए दोस्तों ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, ट्रेंड बन रहा है कि इन सोशल मीडिया पर ट्रेंड जारी है दी अरेस्ट कोहली। तो हमने सोचा कि आपको इस बारे में आपकी गलतफहमी दूर की कर दी जाए कि वाकई विराट कोहली को गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही हैं, यह गिरफ्तार करने का कहा जा रहा है। तो हमने कहा कि आपको मुकम्मल डिटेल से आगाह करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये तो था इंडिया तक का वाकया। आपसे गुजारिश है कि T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, इसको भरपूर इंजॉय कीजिए और अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए लाते रहते हैं क्रिकेट न्यूज अपडेट्स। मजीद अगर आपको इसी तरह की क्रिकेट न्यूज अपडेट्स चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।